भूपेश बघेल और साथ ही साथ उनका परिवार पूरा इस त्यौहार को मना रहा है। सीएम हाउस में कई प्रकार के आयोजन आज किए गए हैं इस त्यौहार को लेकर। और इसी की तस्वीरें लाइव रायपुर से। Thank you.
छत्तीसगढ़ में काफी लोकप्रिय है। छत्तीसगढ़ का ये लोकप्रिय त्योहार बड़ा ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल जनता से रूबरू हो रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, लगातार सेल्फी भी यहाँ पर चाहे बालिकाएं हों, महिलाएं हों या फिर बच्चे हों, उनके साथ लगातार ले रहे हैं। और हाल ही में अभी कुछ ही क्षण पहले उन्होंने यहाँ पर जो लगा एक झूला, वो भी झूला था सीएम हाउस में। ये पूरा कार्यक्रम रखा गया जहाँ महिलाएं पहुंची हैं और साथ ही साथ बच्चे बालिकाएं पहुंची हैं और बड़ी ही खुशी के साथ वो यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल के साथ सेल्फी ले रही हैं। और वो भी इसे गुरेज नहीं कर रहे, हर किसी के मोबाइल से सेल्फी उसे दे रहे हैं। और ये त्यौहार बड़ा ही जश्न भरा यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल एक जमीनी स्तर और जमीन से जुड़े हुए नेता कहे जाते हैं, वाकई एक ऐसे सीएम हैं जो वाकई जमीन से जुड़े हुए हैं। इसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अभी हाल में हरेली त्यौहार में भी घेड़ी चढ़े थे और हर एक पकवान का उन्होंने जायका लिया था, और साथ ही साथ वो हर एक त्यौहार को इंजॉय करते हैं जिस तरह से सभी जनता करती है। एक सीएम होते हुए भी वो एक सीएम न होते हुए लोगों के बीच में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि जैसे वो उन्हीं के बीच के ही हों। और ऐसे में आज जब पोला त्यौहार की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, वो भी कुछ यही बयां कर रही हैं कि सीएम भूपेश बघेल कितने मिलनसार हैं और कितने जमीन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक छोटा सा झूला जिसमें शायद उनका बन पाना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे लोगों की फरमाइश पर, लोगों के कहने पर उसे झूला और इस त्यौहार को और ज्यादा ही इसे सेलिब्रेट किया। और यहाँ पर जो लोग उन्हें घेरे हुए हैं, किसी को भी सेल्फी देने से मना नहीं कर रहे हैं और हर किसी के साथ सेल्फी ले रहे हैं और चेहरे पर अलग ही रौनक और खुशी दिखाई दे रही है। और मीडिया भी लगातार उनसे सवाल जवाब कर रही है, उनसे इस पूरे त्यौहार को लेकर बातचीत कर रही है, लेकिन वो हर एक पत्रकार के भी सवालों का जवाब देते जा रहे हैं। और यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें हम सीएम हाउस के दिखा रहे हैं जहाँ ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, पोला त्यौहार। और पोला त्यौहार चूंकि कृषि प्रधान देश प्रदेश है, ये जिस तरह से देखा जाए तो वहां पर कृषि से जुड़े हुए त्यौहार ज्यादा इस प्रदेश में मनाए जाते हैं छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी त्यौहार में भी इसमें भी बैल जो है उसकी पूजा की जाती है और साथ ही साथ जो औजार है कृषि के उनकी पूजा की जाती है। और आज का जो त्यौहार है सरकार व्यापक स्तर पर, क्योंकि कांग्रेस के वचन पत्र में ये भी था कि वो इसकी संस्कृति को बढ़ावा देंगे, और वैसे ही कुछ तस्वीरें यहाँ पर ये सामने आ रही हैं कि लगातार हरेली त्यौहार हो चाहे वो पोला या त्यौहार हो, कांग्रेस सरकार जो है वो हर एक त्यौहार सेलिब्रेट कर रही है, मना रही है। और इस त्यौहार को मनाते हुए वो लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये सरकार छत्तीसगढ़ या सरकार है और लोगों की जुड़ी हुई, लोगों की सरकार है, हम वहां की संस्कृति को बढ़ावा देंगे चाहे वो वहां की भाषा हो या वहां के तीज त्यौहार हो। कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के सभी तीज त्यौहार और वहां के कल्चर, वहां की सभ्यता को सजोए हुए आगे बढ़ना चाहती है। और सीधी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार पहुंचा भी रहे हैं चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो। और ऐसे में आप देख सकते हैं यहां कितनी भीड़ है, हर कोई सीएम को घेरे हुए है। अब देखिए आप युवा भी आ गए हैं जो सेल्फी ले रहे हैं यहां सीएम भूपेश बघेल के साथ। और सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर सीएम हाउस से जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपने दैनिक दिनचर्या के सभी कार्यों को करते हुए वो तीज त्योहारों को भी मनाना नहीं भूलते हैं। एक संदेश, एक मैसेज इस त्योहार के द्वारा दिया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों की सरकार है, उनके बीच की सरकार है और वो छत्तीसगढ़ी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तत्पर और उसे सजोए रखना चाहते हैं। और आज पूरे छत्तीसगढ़ में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, कई कार्यक्रम यहाँ पर सीएम हाउस में भी आयोजित किए गए हैं। आज पूरा दिन इसी उत्साह के साथ ये त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है।
और ये देखिए महिलाओं की संख्या ज्यादा होने को वो सीएम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, इसलिए महिला कांस्टेबल भी वहां आ गए हैं जिस तरह से, क्योंकि ये कार्यक्रम आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि लगातार महिलाएं जो है वो सेल्फी के लिए सीएम भूपेश बघेल को घेरे हुए हैं जिससे वो आगे नहीं जा पा रहे। अब आगे और भी कार्यक्रम है जिन्हें वो शरीक होना चाहते हैं, अब ये मंच पर चढ़ रहे हैं। भैया 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 भैया
सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको स्वराज एक्सप्रेस एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पोला पर्व की धूम सीएम हाउस में आप देख सकते हैं। इससे पहले जो तस्वीरें हमने आपको खास तौर से दिखाई थी उसमें आपने देखा कि किस तरह से सीएम के साथ छत्तीसगढ़िया सरकार और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने की होड़ भी हमने देखी। जो लोग सेल्फी नहीं ले पा रहे थे मुख्यमंत्री के साथ, तो मुख्यमंत्री ने खुद उनका मोबाइल फोन लेके उनके साथ सेल्फी ली। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको स्वराज एक्सप्रेस दिखा रहा है। लोगों को आप देख सकते हैं।